दिल्ली के अलीपुर में हाईवे किनारे मेपल गार्डन में लगी आग। आग में लाखों का पंडाल जलकर राख। दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग किस कारण लगी, दमकल विभाग इस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में रात से आज सुबह तक अलग अलग जगह पर कई आग लगने की घटनाएं सामने आई। सुबह अलीपुर जिले के अलीपुर के हाईवे पर बने मेपल गार्डन में अचानक आग लग गई। पुलिस और फायर को कॉल की गई। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग को 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग फार्म हाउस के अंदर लगाए गए डेकोरेशन और पंडाल में लगी थी। ये सब डेकोरेशन और साथ सजावट का पंडाल मोंटी नाम के शख्स के पास था और गार्डन का मालिक दूसरा है। जैसे इस गार्डन के अंदर बड़े पंडाल में आग लगी तो 2 घंटे में फाइबर कपड़ा और प्लास्टिक के सजावट का बड़ा पंडाल धू-धू कर जल गया। आग की लपटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी बड़ी थी। गनीमत रही कि उस वक्त गार्डन में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहा था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। आग किस कारण लगी, ये जांच का विषय है। गार्डन में आग लगने के बाद यहाँ पर जिस शख्स के पास यहाँ टेंट हाउस और मंडप का टेंडर था, उसने गार्डन के मालिक पर आग लगाने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि इनका एग्रीमेंट लिखित में न होकर मौखिक हुआ था और उन्हें पिछले कई दिनों से गार्डन के अंदर से अपना साथ सजावट और पंडाल को हटाने की बात कही जा रही थी। साथ ही इनका कहना है कि यह कई बुकिंग को लेकर भी इन दोनों में सहमति हुई थी, लेकिन अब दोनों में कुछ विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते कोई साजिश से लगी है या दुर्घटना वंश ये आग लगी है, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल आग को पर काबू पा लिया गया है और आग किस कारण लगी इसका जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूरी है इस आग में मालिक का माने तो करीब 50 लाख का पंडाल जलकर राख हो गया, जो एक बड़ा नुकसान जरूर है। गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस और दमकल विभाग आग के कारणों की जांच में जुटी है। इसमें नुकसान कितने का हुआ होगा? करीबन जी मेरे पास 63 लाख रुपए लगे हुए थे इसके। तो जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट के हिसाब से खाली कराए थे उससे पहले? एग्रीमेंट तो वर्बली हुआ था जी, आपस की अंडरस्टैंडिंग से बैठ के, ठीक है ना। ये हमारे मीडिएटर थे, मेन मालिक कोई हमारे जानकार थे, उन्होंने लीज पे लिया था, ठीक है। उन्होंने छोड़ दिया। अब ये मालिक मेरे पे दबाव बना रहा था कि इसको खाली करो, नहीं तो मैं अपने आप तुम्हें देख। क्या नाम था इस मालिक का? धर्मेंद्र। कितने दिन से आपके ऊपर प्रेशर? 15-20 दिन से। 1 तारीख से भी इन्होंने खाली किया था। मैंने कहा था भाई मेरे या तो पैसे दिलवाओ या मेरा आप ये सेटअप ऐसे टी सलवाओ। 2 साल की 3 साल की इन्होंने मेरे को बोल दी थी, 50-60 फंक्शन की गारंटी दी थी। कैट्स एम्बुलेंस ऑफिसर? हाँ सर। सर क्या कॉल मिली आपको? सर हमें कॉल मिली थी कि यहाँ गार्डन में आग लगी हुई है सर। तब हम यहाँ आए हुए थे तो फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने में लगे हुए थे सर। तो फिर सर हमें कॉल मिली थी कि यहाँ कोई कैजुअल्टी होती है तो हमें उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाना था। तो अभी तक कोई कैजुअल्टी मिली सर? अभी तक सर यहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं मिली है, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं। और यहाँ आए थे तो यहाँ पर आग बुझाने में कर्मी लगे हुए थे। और जैसे कोई कैजुअल्टी मिलती है तुरंत शिफ्ट किया जाएगा? तुरंत शिफ्ट किया जाएगा हॉस्पिटल में। सर क्या कॉल मिली थी आपको? सर ये मेपल गार्डन की हमें कॉल मिली थी और उस पर हम लोग मौके पे 6 गाड़ी आ गई और ये आग को मिटा दिया गया। अभी तक तो कोई इंजर्ड पता नहीं और अभी पता करते हैं और आग तो जो कारणों का भी पता चलेगा, अभी उसका भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो कितना समय लगा सर आग को काबू करने में? ऑलमोस्ट 2 घंटे तो लगी गए। ठीक है।